वेलकम टू फ्री फायर खान टू। हे दोस्तों, आज लाया हूँ फिर से एक वीडियो फ्री फायर का। क्या आप न्यू है तो इस वीडियो देखिए। अगर आप वॉयस पाना चाहते हैं खेल खेल के तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और खेल को किस तरह से खेला जाता है। और जैसे कि दोस्तों, बहुत सारा लोग बहुत तरीक़ा से खेलता है, बहुत यहाँ बहुत सारा घाने हैं, यानी बंदूक संदूक जो भी बहुत सारा है, तो सब लोग एक गान से एक यानी एक बंदूक से नहीं खेलते हैं, दूसरा दूसरा गान से खेल खेल के मज़ा किसी किसी को आता है दूसरा दूसरा गान से। जैसे कि मैं P90 से अभी खेल रहा हूँ, फिर कभी कभी चेंज करते रहता हूँ, ये नहीं वो ऐसे रहते रहते हो। तो दोस्तों, आप जब इस फ्री फायर गेम को ओपन करेंगे, जब आप उतरेंगे, तो आप न्यू है तो बिल्कुल जाके एक कॉर्नर पर उतरेगा, लास्ट में उतरने का। आपको उतरने के बाद आप अच्छा तरीके से लूटने का, और जब आप जैसे कि मैं घर पे हूँ लूट रहा हूँ, तो हिलने का ज़रूरत नहीं है। तो बाहर में जब किल करता हो, किल करके जब लूटता हो ना, तो उस टाइम हिलना चाहिए। इस आसान ने मुझे हेल्प पूरा कमा दिया। तो देखते रहिए किस तरह का जाम करना, और जाम करके उसको गोली करने का, जैसे कि अटैक करने का। अगर आप फ्री फायर में जैसे कि अगर आप जाम नहीं कीजिएगा ना, तो इसको हेडशॉट मार देते हैं। हेडशॉट नहीं लगा बस। फिर भी देखिए, मेरा जो लॉन्ग गन है ये है फेमस, और छोटा सा अभी वो दूसरा गन ले लिया। दोस्तों, जैसे आप नज़दीक का बंदा मारेंगे तो जाम करना पड़ेगा। अगर बिना जाम के आप मारने के लिए कोशिश करेंगे तो आप जाम नहीं मतलब मार नहीं सकते। मार सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा खतरनाक है, जो थोड़ा पुराना खिलाड़ी है, उसको आप मार नहीं सकते, क्योंकि वो आपको जाम करके मार के चला जाएगा। देखिए, एक बंदा मेरा आगे है, उसे भी मारने का है, तो मुझे अटैक कर रहा है, तो मैं इसको जाम करके शूट कर दिया। तो उसने जाम किया ही नहीं था, अगर जाम किया होता तो शायद इसको मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, शायद वो भी मुझे मार देता इतना टाइम। तो देखते रहिए, जब भी लूटते हैं ना, तो बैठे बैठे नहीं लूटने का, क्योंकि घूमते रहना, क्योंकि कोई कोई बंदा है कि चुप कर बैठे रहते हैं, और जो लोग लूटते हैं आराम से बैठे बैठे, वो लोग अटैक करते, पूरा हेडशॉट मार देते हैं। तो देखते रहिए, और आज देखते रहिए भूया मिलेगा कि नहीं। और एक बंदा मेरा सामने है, तो उसको जाके अटैक करते, इसको पीछे से अटैक करेंगे, क्योंकि अब आगे भाग रहा है ना, तो ये बहुत ही स्पीड भाग रहा है, मर गया। जैसे कि लूटने का टाइम में इधर मतलब इधर उधर घूम के लूटने का, ऐसे बैठे बैठे लूटेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, दूरिया से पूरा आपको हटचट मार देगा। चलिए, इधर का एनिमी ख़त्म हो गया शायद, फिर दूसरा जगह में देखते हैं। और जैसे कि मैं घान चेंज किया, तो जैसे कि वो दूर से आ रहा है, और छोटा घान से मारता तो इसको मार नहीं पाते, तो इसलिए दूर से मारना पड़ रहा है, इसको लॉन्ग गन लेना चाहिए। देखते हैं इसमें कैसा है कि नहीं। और दोस्तों, आप बिल्कुल नहीं हुए तो धीरे धीरे खेलते रहिए, खेल के आपको भी पूरा आ जाएगा। और फिंगर का जो ई है, और आपका पूरा स्पीड करना पड़ता है, जैसे कि जूम वूम का पूरा अंगली का जो टासिंग है ना, वो पूरा फ्री रखना पड़ेगा, तब जाके आराम से मार सकते सबको। देखिए, फिर से एक बंदा आ गया, एक अटैक कर रहे हैं, तो मैं इसको अटैक किया। बाप रे, कितने को मारो, 12 लोगों को किल कर ही दिया। मेरे पीछे भी एक बंदा है, इधर भी एक बंदा है, अरे कितने सारा बंदा है इधर। और जो बंदा इधर देखते हैं ना, तो ऊपर में देखिए मेरा कनरे पर जो निशान है ना, और उसमें मैप की तरह उसमें वो लाल चिन्ह मार रहा था, रेट आ रहा है, रेट में मतलब वो आपका बंदा आसपास में है, वही
सिंगल देता है, पीछे से मुझे कोई अटैक कर रहा है। अरे वो किसने मार दिया इसको पता नहीं, मेरा सामने से भी एक आ रहा है। अरे इधर बहुत बंदा है, चलिए उसको भी मार देते। अरे उसने मुझे अटैक कर रहा है, मुझे वो एक बार भी नहीं पता, लेकिन मैं दो तीन, अरे मेरा नेट में प्रॉब्लम था, 99 मारा था। चलिए उसको भी लूट लेते, देखते उसमें क्या क्या है। और एक बात है कि कभी भी लूटने का टाइम में बैठे बैठे ना लूटे, अगर बैठे बैठे लूटिएगा तो बाहर से आपको दूर से आपको हेडशॉट मार दिया जाएगा। और एक बंदा एक सामने आ रहा है, उसे भी मारना है, उस पर मार देते मार देते। अरे वो भी मुझे अटैक कर रहा है, अभी तो भाग रहा है, चलो उसको मारते हैं। मर गया, इसी तरह आप खेलते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फिंगर का जो टास्किंग है, जो आपको टास्क करना पड़ता है, जो फिंगर का जो जितना सारा ऑप्शन है, उंगली को इतना मतलब जल्दी करना पड़ेगा ताकि आपको ये भी एक आ गया रे मार गया, तो ये मतलब बहुत सारा स्पीड ही करना पड़ेगा तब जाके आप बंदे को मार सकते हैं। और बंदा को हमेशा मतलब सेफ, मतलब हमेशा सेफ में रहकर आपको मारना चाहिए, क्योंकि आपको पास में कुछ रहना चाहिए ताकि आप वहाँ जाके छुप सकते हैं, ठीक है। और बिना छुप के मारिएगा तो मतलब कभी भी आपको भी मार सकता है, क्योंकि अगर छुपने का जगह है तो आपको छुप सकता है जल्दी जाके किधर भी। और नहीं तो ग्लू व्हील लगा के आप फाइटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से P90 गान ले लिया, पहले लिया था फिर से यही लिया, बीच में छोड़ दिया था। और एक बंदा आ रहा है सामने से, अरे वो तो भाग रहा है, तो उसको भी मार देते किया फालतू में, उसको पीछे काहे दौड़ो, तो लॉन्ग गन लेते उसको मार देते ऐसे, बस मर गया। तो इसी तरह खेल को खेलना सही है। और दोस्तों तीन चार लोग जो आता है उसमें भी अच्छा है, लेकिन हम अभी अकेले ही खेल रहा हूँ, ताकि अकेले खेलने में मुझे मज़ा आता है अलग से। देखिए ये भी मर गया, ये है कुर्सी, आपको भी मिलेगा बैठने के लिए, कभी भी बैठ के देखिएगा कितना आराम लगता है कुर्सी में। एक भोया मिल गया दोस्तों, कितने लोगों को मैं किल किया। जो भी दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फ्री फायर के बारे में आपको न्यू न्यू वीडियो मिलते रहेगा, जानकारी भी मिलते रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो पूरा पूरे देख